जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं प्रिंस वेलकम करता हूँ स्टडी फॉर जीनियस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, जितने भी छात्र एसएससी जीडी 2021 में फाइनल कट ऑफ में बाहर हुए हैं, उन सभी से मैं बोल चुका हूँ कि भाई आप लग जाइए तैयारी में। और जो भी नया बच्चा है जो एसएससी जीडी 2022 की तैयारी कर रहा है, तो उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ दोस्तों। जी हाँ, देखिए भाई, मैंने तो फॉर्म फिलअप करवा लिया अपना, और ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, थोड़ा सा क्या है ना, लाइटिंग वगैरह थोड़ी अब दिखाई दे रहा होगा। तो ये फॉर्म भर चुका है मेरा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिलअप करने में गलती कर रहे हैं। तो गलती क्या कर रहे हैं वो आज की इस वीडियो में बताऊंगा मैं। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ, जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे, सबसे पहले तो आप सभी को, अगर आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, नया बच्चा है, तो सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाएं, आधार कार्ड दोस्तों, अपना 10th की मार्कशीट, ठीक है, और फोटो वगैरह, और दोस्तों कुछ ये सारे आईडी प्रूफ आपको ले जाने हैं, सिग्नेचर वगैरह, तो पेन वगैरह वहीं मिल ही जाएगा। सिग्नेचर आपको हिंदी इंग्लिश कोई समय भी कर देना, कोई डाउट नहीं है, हिंदी में करें इंग्लिश में करें। सबसे बड़ा मैटर होता है दोस्तों, ये फोटो जो है इस पर डेट डाले या नहीं डाले, ये बहुत बड़ा दोस्तों, पहले भी यही था और अब भी यही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम छात्रों के साथ यही हो रहा है कि भाई ये जो फोटो है इस पर डेट हमें डालनी है या नहीं डालनी है। दोस्तों मैंने फॉर्म फिलअप तो कर लिया है, मैंने खुद डेट डलवा ली है भाई। क्यों? क्योंकि भाई देखो, उसमें ना लिखा है कि आप डेट डलवाओ या नहीं डलवाओ, ये कुछ लिखा ही नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप चेक करोगे, ये जरूर लिखा है कि आपका फोटो जो है 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी 27 जुलाई 2022 से पहले पहले का आपका जो फोटो है वो होना चाहिए। तो मैंने दोस्तों 27 जुलाई 2022 से पहले पहले की डेट डलवाई है इस पे, तो आपको भी वही डलवानी है, ठीक है। जो आप जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो ही आप फॉर्म फिलअप पे अपनी डेट डलवाइएगा, मैंने इस पे डेट डलवाई है भाई। और नीचे आपको सिग्नेचर दोस्तों करने हैं। ये सिग्नेचर दोस्तों आप जब करते हैं तो बहुत बड़ा इसका जो तो वहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत बड़े आकार में करोगे, लेकिन सिग्नेचर छोटे हो जाते हैं, तो बहुत से बच्चे इसे घबरा जाते हैं कि सिग्नेचर छोटा हो गया, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर्म रिजेक्ट किसका होगा ध्यान रखिएगा, फॉर्म रिजेक्ट उसका होगा जो दोस्तों एक तो नेम में गलती करता है, ठीक है, यहाँ पर अपना नेम जो होता है उसमें ध्यान देखना, अपना फादर नेम मदर नेम चेक कर लेना, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपकी डेट ऑफ बर्थ अच्छे से फिलअप होनी चाहिए, आपका जेंडर अच्छे से फिलअप होना चाहिए, अब जेंडर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, और कैटेगरी एससी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस सब कुछ एसटी वगैरह जो भी है अच्छे से फिलअप होनी चाहिए। अगर गलती से दोस्तों एससी की जगह एसटी हो गया ना, तो आप एसटी के डॉक्यूमेंट कहाँ से लाओगे, ओबीसी हो गया तो ओबीसी के डॉक्यूमेंट कौन से कहाँ से लाओगे भाई, इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, ठीक है। और देखिए आपका रोल नंबर अच्छे से फिलअप होना चाहिए, और आपका दोस्तों यहाँ पर जो 10th की आपने जब 10th पास किया उसकी डेट पासिंग ईयर वो यहाँ पर अच्छे से फिलअप होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं सर, बहुत से लोग मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि भैया मेरा जो है जो आपका एक मार्क होता है ना, कट जो मार्क होता है, यानी प्रूफ के लिए जो कोई मार्क वगैरह होता है, जैसे कोई मूल हो या कोई कट मार्क हो, वो आप डलवाते हैं, तो बहुत से मिस्टेक गलत कर देते हैं उसमें, जैसे आईब्रो की, जैसे मेरे आईब्रो पर कट है, तो मेरे आईब्रो में दोस्तों क्या है, कुछ मिस्टेक हुई, मैंने BROW नहीं किया, BRAW कर दिया, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा भी मिस्टेक हुआ है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक चल जाती है, लेकिन अगर आप बड़ी मिस्टेक करते हो ना, तो फिर ये चलेगी नहीं भाई, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ छोटी मिस्टेक चली जाती है, पहले भी मिस्टेक हुई थी मेरी, वही फिलअप हुआ है, वही फिलअप मेरे आप दोबारा कर दिया, पहले भी BRAW था, इस बार भी BRAW है, BROW होना चाहिए वैसे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद दोस्तों देखिए आपको जो है यहाँ पर अपना सबसे बड़ा सवाल होता है कि भाई अगर आप यहाँ पर अच्छे से दोस्तों प्रिफ्रेंस पोस्ट जो होती है अगर इसे नहीं डलवाते हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अगर बाई चांस आपके नंबर हाइएस्ट आ जाते हैं, 80-85 नंबर आपके आ जाते हैं, और आप दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस सही से नहीं फिलअप करोगे तो बहुत पछताना होता है, इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस को अच्छे से फिलअप करें मेरे दोस्त, जिसने फॉर्म अभी तक नहीं किया है उसको बता रहा हूँ मैं। देखो सबसे पहले आपको एच, मेरा एच का मतलब क्या है पता है, एच का मतलब दोस्तों एच का मतलब इसमें आपका SSF, उसके बाद दोस्तों NCB मैंने फिलअप किया है, उसके बाद बी का मतलब दोस्तों इसमें मैंने CIA से फिलअप किया है, उसके बाद दोस्तों मेरा असम राइफल्स है, फिर ITBP है, फिर दोस्तों मेरा यहाँ पर SSB है, फिर उसके बाद दोस्तों इसमें मेरा CRP है, फिर BSF, ऐसे इस प्रकार से मैंने फिलअप किया है। आपको भी इस पर आपको थर्ड जो है इनको ध्यान रखना है, पहले पर SSF, उसके बाद NCB, फिर दोस्तों BSF,
ये मैंने फिलअप किया इस प्रकार से, ठीक है। और आपको दोस्तों देखिए पासिंग ईयर अच्छे से होना चाहिए, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड जो आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, टेंथ जो पास किया है, मेरा उत्तर प्रदेश से है तो उत्तर प्रदेश लिखा है मैंने इसमें। और बाकी आपका दोस्तों रोल नंबर अच्छे से मैच होना चाहिए वहाँ पर। और आपका दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ है एड्रेस वगैरह जो भी मेरा है, ठीक है, और पिन कोड वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अगर ये ईमेल आईडी गलत भी है कोई टेंशन नहीं, ईमेल आईडी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोबाइल नंबर अच्छे से फिलअप होना चाहिए बस, ठीक है। और पिन कोड अच्छे से होना चाहिए क्योंकि आपका ज्वाइनिंग लेटर जब आता है ना, हमारा तो आया नहीं, बहुत ज़्यादा वेट था उसी का यार, तो वो अच्छे से इसी दोस्तों पिन कोड नंबर पर आता है, ठीक है, इसको अच्छे से फिलअप कीजिएगा। और दोस्तों सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन हो चुकी हैं। और हाँ, डेट ऑन विच फोटोग्राफ हैज बीन टेकन, यानी फोटोग्राफ किस डेट को लिया गया है, वो इसमें आपको यस, उस पर यस जरूर क्लिक कर देना है। जो फोटो से नीचे क्लिक होता है ना, वो आपको जरूर क्लिक करवाना है अपने दोस्तों साइबर कैफे वाले से बोल के, जिसमें भी आप फॉर्म फिलअप करवा रहे हो उससे बोल के, ठीक है, ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है। और वहाँ पर यस होगा तो ही दोस्तों वहाँ पर पता चलेगा कि आपने 3 महीने से पहले पहले की जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड की हुई है, ये वहाँ पर पता चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको अच्छे से फिलअप करवानी है। अब देखिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आने लगेंगे, भैया मैंने ये मिस्टेक कर दी, मैंने वो मिस्टेक कर दी, क्या ये चल जाएगी या वो चलेगी या नहीं चलेगी। तो भाई अब मेरे पास यहाँ पर हज़ारों मैसेज आ जाएंगे। तो देखिए मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं, फिलहाल तो यार अगर आप अच्छे से फिलअप करवाओगे ना तो साइबर कैफे वाला ऐसे ही फिलअप करता है, ठीक है। अगर आपके पास पहले से कोई ये वाला दोस्तों फॉरम है और ये अच्छे से फिलअप हुआ है, यानी पुराना वाला ऐसा CGD का अगर आपके पास है या नहीं भी है, जिनके पास पुराना वाला है और अच्छे से फिलअप है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो ऐसा CGD वाले के पास उसको पकड़ा दीजिए, सेम टू सेम यही फिलअप होना है बस। इस बार NCP जो पोस्ट आई है ना, पोस्ट प्रिफ्रेंस में, उससे बोलकर आप फिलअप करवा सकते हैं सेकंड नंबर पर। बाकी सी चीज़ें अगर आपने फिलअप अच्छे से करवाई है पोस्ट प्रिफ्रेंस तो उसको करवा लीजिएगा, ठीक है। जो नए बच्चे हैं तो रजिस्ट्रेशन नया करवा रहे हैं, अच्छे से दोस्तों रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन होगा कुछ गलती हो जाती है तो आगे चेंज करवा सकते हो। लेकिन अगर आप इसमें गलती करते हो ना तो करेक्शन का कोई दोस्तों यहाँ पर जुगाड़ नहीं है, कोई भी आप करेक्शन नहीं करवा सकते। आप कॉल करते रहिए SSC ऑफिस पर, कोई कॉल आपका उठाएगा नहीं, कुछ हो नहीं सकता है, सब कुछ उन्होंने बोल दिया है पहले कि हम आपकी कोई कॉल रिसीव नहीं करेंगे अगर आपका करेक्शन कि कोई आप रिक्वायरमेंट डालते हो हमारे ऑफिस में, ठीक है। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो ध्यान ये रखना है कि बहुत अच्छे से सारा फोकस दोस्तों फॉर्म फिलअप करने में ध्यान लगाना है, क्योंकि अगर ये गलत हुआ ना भाई तो ज़िंदगी बर्बाद है। इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से फिलअप कीजिएगा, पढ़ाई आप कितनी भी अच्छी कर लें लेकिन ये अच्छे से नहीं भरा ना तो फिर कुछ नहीं है, ठीक है। छोटी मिस्टेक क्या होती है, छोटी मिस्टेक दोस्तों कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ये चल जाएंगी आपका, कोई भी जैसे मान के चलिए एड्रेस वगैरह में कोई छोटा मोटा स्पेलिंग मिस्टेक है तो चल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर नाम में स्पेलिंग मिस्टेक होती है ना तो वो नहीं चलने वाली है मेरे भाई, ठीक है। नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका दोस्तों रोल नंबर वगैरह और आधार कार्ड का नंबर वगैरह, ये सब कुछ बिल्कुल मेंशन अच्छे से आपको करना होगा, अच्छे से फिलअप करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है। तो इतना ही कहूँगा आज की इस वीडियो में, आप सभी को मेरी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। डेट डालो या मत डालो दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूँ डेट डालो या मत डालो, फॉर्म एक्सपेक्टेड आपका माना जाएगा और रिजेक्ट नहीं होगा, मैं बिल्कुल दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि उसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी है कि आपका डेट डालने से दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट होगा या डेट नहीं डालने से फॉर्म रिजेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ये जरूर लिखा है कि फोटो जो है 3 महीने से अगर दोस्तों पुराना है तो फॉरम रिजेक्ट माना जाएगा, इसलिए आपको यस पर क्लिक जरूर करना है जो फोटो से नीचे वाला ऑप्शन होता है, ठीक है। और तैयारी सभी की अच्छे से चली रही होगी भाई, अच्छे से दोस्तों इस बार अपना SSC GD का एग्जाम दीजिएगा भाई। पैटर्न वैसे ही चेंज हो गया है लेकिन हौसला जरूर दोस्तों आपका अच्छे से होना चाहिए, और ये खून पसीना एक करके दोस्तों इस बार जंग में कूदना है यार, और पेपर की खोपड़ी को दोस्तों उड़ा देना है। जी हाँ दोस्तों, इस बार तहलका नहीं दोस्तों, भूचाल आना चाहिए एग्जाम पर, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना दोस्तों, आपको पढ़ाई के साथ साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी पर भी ध्यान देना है। हो सकता है ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, सुबह रात को 2-2, 3-3 बजे सो रहे हो, सुबह दोस्तों 10-11 बजे उठ रहे हो, तो इससे दोस्तों आपका एक तो देखिए फिजिकल एक्टिविटी आपका कमज़ोर होगा और आपको, ठीक है, और बॉडी पार्ट भी थोड़ा सा दोस्तों आपको, समझ रहे हो, यानी फिजिकल एक्टिविटी पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। यानी ऐसा नहीं है कि आप रात भर पढ़ाई कर रहे हो और मॉर्निंग में उठ रहे हो 11-12, 1-1 बजे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वही दोस्तों चीज़ हो जाती है भाई, आपको अच्छे से दोस्तों स्टार्टिंग आप जल्दी कीजिए ना, 6 बजे स्टार्टिंग कीजिए या 7 बजे स्टार्टिंग कीजिए, 7 से आप दोस्तों अगर 7 बजे से 12 बजे तक ही पढ़ोगे ना तो 5 घंटा हो जाता है। 1 घंटे का ब्रेक ले लो, बीच में खाना पीना कर लो अपना डिनर वगैरह, वो भी 4 घंटा हो गया। 4 घंटे के बाद दोस्तों आप सोच रहे हो 12 बजे सो जाइए,
आप आराम से 5 से 6 बजे उठ जाइए, 6 बजे उठ जाइए। जब भी 6 घंटे की नींद बहुत आरामदायक होती है, ठीक है। 6 बजे के बाद आप 6 घंटे के बाद 1 घंटा स्टडी कर लो, 6 से 7, 1 घंटा हो गया। अब उसके बाद दोपहर में आप टाइम निकाल लो, बस इतना ही पढ़ना है, 4 से 6 घंटे पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतने में आप आराम से दोस्तों एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो। तो इतना ही कहूँगा दोस्तों, बाकी सारी चीज़ें आप सभी को पता है, और मैंने आप सभी को अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर ही दिया था, क्योंकि पिछली बार दोस्तों SSC GD 2021 का मेरा क्वालिफाई हो गया था, लेकिन इस बार फाइनल में दोस्तों मैं निकल गया। भाई बहुत ज़्यादा दुख है यार, बहुत सारे लोग रो रहे थे यार, मेरे पास मैसेज वगैरह आ रहे थे कि भाई ऐसा नहीं होगा। भाई देखो, रोने से कुछ नहीं होगा, मैं दर्द समझ सकता हूँ आपका, बहुत ज़्यादा आपको गुजर रही होगी, बहुत से लोगों के तो परिवार भी रो रहे होंगे। सबसे ज़्यादा दर्द दोस्तों उस इंसान को होता है जो सोचता है कि जो आपसे उम्मीद ला के बैठा, वो है आपके माँ बाप यार, उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है इस बात को। वो आपसे बोल नहीं सकते, लेकिन दर्द उनको सबसे ज़्यादा होता है। रियल बताऊँ ना, आपके परिवार वालों को आपसे ज़्यादा दर्द है। आप सोच रहे होंगे कि उनको कोई दर्द नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा दर्द है, क्योंकि उम्मीद होती है यार, एक जो उम्मीद टूटती है ना, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। वो दर्द मैं यहाँ पर महसूस कर सकता हूँ, और मेरे परिवार वाले भी। हो सकता है दोस्तों ये दर्द आपको भी हो, लेकिन दोस्तों घबराना नहीं है, और इन आँखों से आंसू नहीं अंगार आने चाहिए, जो पेपर को एक ही बार में नस्ते नाबूद करें, समझ रहे हो ना। रोना नहीं है, करके दिखाना है यार। कुछ मिस्टेक हुई पहली वाली, भूल जाओ, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं है। इस बार दोस्तों उड़ाना है एग्जाम को, और बवंडर आना चाहिए इस बार, बवंडर, समझ रहे हो ना। क्या पहले नंबर कम थे, इस बार कट ऑफ से दोस्तों कम से कम 20 से 25 नंबर एक्स्ट्रा आने चाहिए आपके। SSF का प्लान होना चाहिए, समझ रहे हो, SSF इस बार लेनी है, ये समझ लेना बस दिमाग से। और ये सोचना कि रैंक 1 मुझे ही लानी है, पहले तो आप कट ऑफ के लिए लड़ रहे थे कट ऑफ में मेरा नंबर आ जाए, इस बार रैंक 1 के लिए लड़ो यार। रैंक 1 के लिए लड़ोगे ना, तो सही बता रहा हूँ, नंबर दोस्तों अच्छे आएंगे ही, और आप स्कोर करोगे। आपको ये सोचना कि मुझे दोस्तों 80 में से 80 लाने हैं, बस ये सोचना, कोई कम नहीं, 80 में से 80 का टारगेट। एक एक क्वेश्चन अगर छूट जाए ना, उसका दुख होना चाहिए कि हाँ मुझे इतना दुख है इस क्वेश्चन का, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर मेरा ठीक होता ना, तो आज दोस्तों यहाँ पर मैं फॉर्म फिलअप नहीं करता इसका SSC GD का, क्योंकि फिर तो और कहीं होते हैं ना हम लोग। सिर्फ एक क्वेश्चन जिंदगी बदल देता है, मत सोचना कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दोस्तों पॉइंट में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा रिस्की होता है काम, ठीक है। समझ लेना दोस्तों, जो भी बात मैंने आपको समझाई है ना, उस पर ध्यान देना, और अगर नहीं दोगे ना तो पछताना तो पड़ेगा मेरे भाई। इस मुट्ठी को भींच के लग जाइए दोस्तों, और अपना जो हथियार है ना आपका, कौन सा कलम, उसको उठाइए, और दोस्तों ला दीजिए भवंडर एक बार फिर से, जो आपके घर वाले बोले कि हाँ बेटा नसीब से नहीं मेहनत से पास हुआ था पहली बार भी, और ये जो पड़ोसी है ना, इनका मुंह तो बंद करना ही है। हमारे पड़ोसी भी कुछ ऐसे ही हैं यार दोस्तों, बोलना नहीं चाहिए, वीडियो वो भी देखते हैं फिर, वरना समझ रहे हो ना, बहुत पड़ोसी हमारे भी ऐसे हैं, क्या करें, बस अब वो खुश हैं, आगे दोस्तों वो भी यही बोलेंगे कि हाँ यार मुझे तो भरोसा था तू करेगा करेगा, बस थैंक यू, और रोना नहीं बस।